सो अपनी मटन थाली रेडी है, सर्व किया है। बाउल में मटन लिया है, चावल वाली भाकरी रोटी लिया हूँ, ऑनियन नींबू और थोड़ा सा राइस। देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और एक बार बना के ट्राई करना। तो आज हम बनाएंगे मटन करी। तो मटन करी बनाने के लिए देखिए, 1 किलो मटन लिया हूँ, पीसेस देख सकते हो मीडियम है। साथ ही साथ लिया है ऑनियन, कांदा, टमाटो देख सकते हो। साथो साथ लिया है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए, गरम मसाला, आगरी लाल मसाला, धनिया पाउडर, ये काला मिरी का जो कूट रहता है बारीक वाला पीसा हुआ ब्लैक पेपर, और ये लिया है गरम मसाला और हल्दी पाउडर। एक बड़ा सा पैन लिया है, अभी उसमें ऑयल डालते हैं और प्याज को और टमाटर को भूनते हैं। ऑयल अपना अच्छे से कर चुका है, गरम हो चुका है। सबसे पहले डालेंगे उसमें तेज पत्ता, तमाल पत्र, साथ ही साथ डालेंगे लहसुन, के साथ डालेंगे कांदा, प्याज को, साथ ही में डालेंगे टमाटर, इन सबको अच्छे से पकने देंगे। देखिए प्याज टमाटर को अच्छे से भूनना है तेल में इस प्रकार से। देखिए प्याज अपना अच्छा से भून रहा है, साथ ही साथ टमाटर भी गल रहे हैं। इसी प्रकार से अपने को टमाटर प्याज को गलाना है। तो अपना प्याज और टमाटर अच्छी तरह से भून चुका है, अभी बारी उसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट डालने की। 1 चम्मच 2 चम्मच डाले हैं देख सकते हो आप। इसके साथ ही साथ डालेंगे उसमें जो बैटर तैयार किया है, कोकोनट, रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, उसके साथ जिंजर गार्लिक। ये बैटर आप एक बार डाल के देखिए, बड़े से 4 चम्मच डाले। बैटर को भी अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो चुके तब तक। अपना बैटर अच्छी तरह से भून रहा है, ऑयल देखिए बैटर अच्छी तरह से भून चुका है और भून भी रहा है। तो चलिए और भूनते हैं। अपना बैटर अच्छे से भून चुका है, अभी बारी है उसमें लाल मसाले डालने के लिए। तो सबसे पहले डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच, साथ ही साथ डालेंगे गरम मसाला 1, साथ ही साथ डालेंगे मटन मसाला 1 चम्मच, साथ ही साथ डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच रंगत के लिए, साथ ही साथ डालेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और अपना आगरी लाल मसाला। अगर आपके पास ये आगरी लाल मसाला नहीं है तो आप कोई भी डाल सकते हो। 1 बड़ा चम्मच, 2 चम्मच, 3 और 4। पूरे मसालों को भूनना है अच्छी तरह से। तो चलिए मसाला भूनते तब तक मिलते बाद। देखिए बैटर को कैसे कलर आया है, रंग देखिए, ऑयल सेपरेटली हो चुका है। अभी उसमें बारी है मटन डालने की। तो मटन डालते हैं उसमें। फ्रेश मटन एकदम बहुत ही बेहतरीन। देखिए मटन को अभी भूनना है मसालों के साथ। देखिए बेहतरीन रंगत, देखिए। तो
और चलिए मटन को तो मिक्स किया है, अभी ढक के रखते हैं 5 मिनट के लिए उसी एक पतीले के सहायता से, और पतीले के ऊपर पानी रखेंगे, वही गर्म पानी अपन मटन में ऐड करेंगे। और ये जो मटन है बनाएंगे अपन चूल्हे के ऊपर, लकड़ी वाले चूल्हे के ऊपर, और ही बेहतरीन टेस्ट आती है। तो चलिए मिलते हैं अभी चूल्हे के पास। देख सकते हो पतीले के ऊपर एक ढक्कन रखा है और ढक्कन में रखे थे पानी बॉइल्ड होने के लिए, और यही पानी अपने को मटन में डालना है। देखिए अपना मटन अच्छी तरह से भून रहा है, अभी बारी है उसमें नमक डालने का, तो नमक डालते स्वादानुसार। मटन तो अच्छी तरह से पक चुका है, स्वादानुसार नमक डालिए 3 चम्मच डाले अपने हिसाब से, और साथ ही साथ डालेंगे उसमें आलू बटाटा, क्योंकि एक बार बना के देखिए आलू के साथ वाली मटन रेसिपी बहुत ही बेहतरीन रहती है और स्वादिष्ट होती है। तो चलिए मिक्स करते हैं मटन आलू को। रंगत देखिए, देख सकते हो, तो मटन अपना मिक्स कर लिए है, अभी उसमें डालेंगे पानी, देख सकते हो पानी डाला है, मिलते हैं आपको चूल्हे के पास। देख सकते हो अपना चूल्हा बेहतरीन तरीके से जल रहा है, आग अच्छी तरह से पकड़ी है, और बनाएंगे चूल्हे के ऊपर आज मटन। एक बार आप जरूर ट्राई करना चूल्हे वाला, लकड़ी के चूल्हे के ऊपर टेस्ट ही बेहतरीन रहता है। देखिए अपना बर्तन तो आ गया चूल्हे के ऊपर, और इसी तरह अपने को पकाना है चूल्हे के ऊपर, एक 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से पक जाएगा अपना मटन। तो चलिए मिलते हैं 5 से 10 मिनट बाद। तो देख सकते हो अपना मटन अच्छी तरह से चूल्हे के ऊपर पक रहा है, 50% पक चुका है और 50% अपने को पकाना है। तो चलिए चूल्हे वाले आग के ऊपर अच्छा से मटन पकने देते हैं, और मिलते हैं अपने को 10 मिनट के बाद। देखिए अपना मटन चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से पक रहा है, तो चलिए कुछ मसाले ऐड करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो अपना मटन तो रेडी हो चुका है, लास्ट में डालेंगे कसूरी मेथी का अपना ही स्वाद है मटन के लिए। देखिए वो कैसे उबाल आ रहा है, और अच्छी तरह से मटन पक चुका है। सो फाइनली अपना मटन ग्रेवी वाला रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट दमदार वीडियो में। सो अपनी मटन थाली रेडी है, सर्व किया है, बाउल में मटन लिया है, चावल वाली भाकरी रोटी लिया है, ऑनियन नींबू और थोड़ा सा राइस। देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और एक बार बना के ट्राई करना।